भारत सरकार ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद ट्विटर पर इसका ऐलान किया, जिसके बाद उनके पोते जयंत चौधरी ने इस पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की इस घोषणा की सराहना करते हुए लिखा कि दिल जीत लिया। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी अब एनडीए में शामिल हो रही है। जाट नेता जयंत चौधरी का अपनी जाति के वोटों पर अच्छा खासा असर और पकड़ माना जाता है। ऐसे में अब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर लोकसभा चुनाव के पहले इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यूपी में जाटों की संख्या पश्चिमी जिलों में ज्यादा है। मुख्य रूप से खेती से जुड़ी ये जाति काफी संगठित और कई लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा असर रखने वाली जाति के तौर पर जानी जाती है। जाट समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में फैले हुए हैं। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 12 लोकसभा और 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का खास असर है। एक अनुमान के मुताबिक राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जाट कुल मिलाकर लगभग 40 लोकसभा सीटों और 160 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 18 से 20 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में आती हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटों पर जीत दिलाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसमें बीजेपी को कई सीटों पर जाट जाति को अपने पाले में करने की चुनौती है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान करना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।